समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शादी जब मुसलमान की होती है तो निकाहनामा होता है सर, उसमें कंडीशन लिख दीजिए। हम कहते हैं कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसमें लिखा, अगर कोई ये बेवकूफ अगर कहता है ऐसा दीवानीपन का बात कहता है, तो जो डाउरी का जो मेहर है वो 1000% उसको फौरन अदा करना पड़ेगा। और कंडीशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वायलेशन ऑफ इंडियन कंडीशन लीड्स टू इंप्रिजनमेंट, आप वो करिए। आप सिविल में पेनल प्रोविजन डाल रहे हैं। अब देखिए, सिविल और पेनल बोल दिया, यहीं पे तो बहुत बड़ा पेच है। आप कहते हैं कि हमारे मजहबी मामले में दखल मत करो, सिविल एंड राइट्स हमारे अपने रहने दो। जब औरतों की बात आती है, मर्दों पे क्यों नहीं लागू करते? इस्लाम के अनुसार शराब पीना कुफ्र है, 100 कोड़े लगाने की सजा है, और उसके बाद लगवाए, जो पीता पाया जाए। अरे मारिए ना, और मारिए ना, चलिए हम तैयार की देसी, मैं तैयार हूं, कोड़े मारिए उनके साथ। अरे सबसे ज्यादा कोड़े मुसलमान को नहीं पड़ेंगे, फिर इतना ही क्यों? किसी मुसलमान को दो चोरी पर चोरी करेंगे, सुधांशु जी सुनिए, कोड़े मारिए, सबसे ज्यादा कोड़े मुसलमान को नहीं पड़ेंगे, चोरी करेंगे तो एक के हाथ काट दिए जाएंगे, एक चलिए हम तैयार हैं वो भी कर लीजिए, तो उसमें मुझे नहीं चाहिए। और सुनिए, जायरा वसीम अगर वहां पे एक्टिंग कर दे तो इस्लाम के लिए समस्या है, मरसारे खान भाई जो है आराम से एक्टिंग करते रहे तो समस्या नहीं है। इस्लाम के लिए मगर मोहम्मद एआर रहमान तक सब गाना गाएं, कोई वो नहीं है। और पूरा होने दीजिए, जिस मजहब के नाम पर, मजहब को दोष नहीं, मजहब के नाम पर दुनिया को हिलाया दहलाया और थर्राया जा रहा है, वो एक औरत अगर सीरियल में बिंदी लगा ले तो वो मजहब खतरे में आ जाता है। भाई मुझे तो समझ में नहीं आता ये क्या गजब साहब का कहा मालिक। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अपने मजहब पे यकीन रखना चाहते हैं, पूरा रखिए, आधा मत रखिए कि हमको क्रिमिनल में चाहिए इंडियन पैनल को और सिविल में चाहिए पर्सनल को। जी होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज हो गई, आप इसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। अरे मैं आइडेंटिटी डिक्रिमिनलाइज कर दिया आपने, मैं तो कह रहा हूं पूरा मानिए ना, सिर्फ ये जुल्मों सितम औरतों के लिए क्यों? मर्दों को हर चीज से इम्यूनिटी है, गाना गाना हो, शराब पीना हो, चोरी करना हो, उनपे कुछ ना लगे, मगर औरतों पे पूरा मुसलमान इस्लाम एक्टिंग करिए, कौन रोक रहा है आपको? एक्टिंग करिए, अरे हम तो कह तो रहे करिए ना, किसने बोला जा रहा वसीम के लिए फेवर? सुनिए एक बात, सुनिए एक बात, सुनिए किसने बोला? सर सर, और इतना कोई भी समझदार है सर कि वो हुआ कैसे था? समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है जो कहे कि उन्होंने अपने आप की